हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई हैव ब्रॉट फॉर यू फ्रेजल वर्ब्स। मैं इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब्स लेके आई हूँ ताकि हम घर बैठ के अपना टाइम यूटिलाइज कर सकें और अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकें। देखिए, पहली फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना, स्पष्टीकरण देना, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ब्यौरा देना। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, या फिर एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरीली। अब मैंने इसका एक उदाहरण भी यहाँ पे दिया है। ही हैज़ बीन आस्क्ड टू अकाउंट फॉर हिज कंडक्ट। उसके कार्य के लिए उससे स्पष्टीकरण मांगा गया। वी हैव टू अकाउंट फॉर एवरी पैनी वी स्पेंड ऑन बिजनेस ट्रिप। हम बिजनेस ट्रिप पे जो भी पैसा खर्च करते हैं उसका जो है ब्योरा हमें देना होता है। दूसरा है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर होता है किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना। आस्क आफ्टर क्या होता है? किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना। इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, समबडी, ठीक है। इसका उदाहरण है आई आस्क्ड आफ्टर हिज मदर एज शी हैज़ बीन इल। आप समझ ही चुके होंगे, आई आस्क्ड आफ्टर हिज मदर एज शी हैज़ बीन इल। तीसरा फ्रेजल वर्ब है आस्क आउट। आस्क आउट इसका मतलब होता है कि किसी को आमंत्रित करना, इनवाइट, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, आई आस्क्ड हर टू डिनर। मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। अब साथ ही आपको एक काम करना होगा, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स की तीन तीन या चार चार फ्रेजल वर्ब की एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। और साथ में आपको यह काम करना होगा कि आपको अपनी रफ नोटबुक में जो भी फ्रेजल वर्ब और ईडियम कराए जाएंगे उनके आपको एग्जांपल्स बनाने हैं। आप जितने सेंटेंसेस बनाओगे उतनी ही आपकी मेमोरी जो है मेमोरी में अच्छे से रहेगा। अदरवाइज़ फ्रेजल वर्ब हम एक बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप नहीं भूलो तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आइए अब हम देख लेते हैं कॉमन ईडियम्स एंड फ्रेजेस। साथ ही मैं यहाँ पे ईडियम्स भी लेके आई हूँ। तो पहला ईडियम है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, हम ऐसे नहीं कर लेते हैं, मतलब कुछ भी विश होती है कि काश ऐसा हो जाए, तो वही चीज़ है। ऐसे बोल सकते हैं अच्छी चीज़ की आशा करना, अच्छी चीज़ की आशा करना। होप फॉर द बेस्ट दैट नथिंग विल हैपन टू अपसेट वंस प्लान। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस टिल द फाइनल रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, ठीक है। टू कीप वंस फिंगर्स क्लोज्ड इसका मतलब क्या होता है? अच्छी चीज़ की आशा करना। दूसरा ईडियम है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, हम ऐसे नहीं बोलते तो बहुत ऊंचे घराने का है, मतलब बहुत ही अमीर है, तो इसका होता है उच्च कुलीन व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा हुआ। एंड एरिस्टोक्रेट, एग्जाम्पल है His habits reveal that blue blood is still flowing in his veins. तीसरा है a snake in the grass। ये तो सभी को पता होगा, आस्तीन का सांप जिसको हम बोलते हैं, कोई व्यक्ति होता है जिसको हम अपना दोस्त समझ के रखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो तो हमारे दुश्मन का काम करता है। तो क्या बोलते हैं, a snake in the grass, आस्तीन का सांप। एन अनरिकग्नाइजेबल एनिमी, मोहन प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास।